नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। और मित्रों, आज आप लोग के सामने नए संवत्सर इस साल का प्रस्तुत करता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। आगामी नव संवत्सर मीन्स जो आज का संवत्सर है, इसका नाम प्रमादी रहेगा। और प्रमादी नाम के संवत्सर का नाम आज का संवत्सर का नाम है, इस साल के संवत्सर का नाम है। और यह संवत 2077 चल रहा है और इस समय श्री साकी 1942 चल रहा है। यह वर्ष आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ। 25 मार्च आज के दिन 2020 को आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है हम हिंदू लोगों का, इसलिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो। इस वर्ष के राजा बुध हैं और बुध राजा होने से मंगल कार्यों की अधिकता रहेगी और साथ ही छल कपट करने वालों का बोलबाला भी बना रहेगा। रस पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि रहेगी, जो हमारे फल फ्रूट ये जो रस पदार्थ हैं थोड़ा मूल्य वृद्धि होगी। एवं राजनीतिक जो समीकरण हैं देश में, जो पार्टियां हैं इनके जो समीकरण बनते बिगड़ते हैं, यह भी कार्य चलता रहेगा। इस साल के मंत्री चंद्रमा हैं और चंद्रमा जब मंत्री हैं तो खूब अधिक वर्षा होगी और अन्न की पैदावार अच्छी रहेगी। संवत्सर पर प्रतिपदा के दिन जो आज का दिन है, यह मेघ सिंह धनु राशि वालों के लिए अशुद्ध है, अपैठ है आज ही का दिन केवल। और वृष कन्या मकर वाले राशि वालों के लिए विश्व संक्रांति अशुद्ध है, जो विश्व संक्रांति आएगी वही अशुद्ध है। और मित्रों, अब बताते हैं कि संवत्सर कहाँ कहाँ गया है किन लोगों को। तो जो हमारे नक्षत्र हैं इनसे राशियां बनती हैं, और राशियां जो हैं इन राशियों में किस स्थान पर यह गया हुआ है संवत्सर, यह देखना पड़ेगा। तो इसमें आप चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, आप ये समझिए कि तीन नक्षत्र की एक राशि है। तो आप ये तीन नक्षत्र को कन्या समझ लीजिए, फिर तुला समझ लीजिए, फिर धनु राशि का समझ लीजिए। तो इस प्रकार से कन्या, तुला और वृश्चिक और धनु राशि वालों के सिर स्थान पर संवत्सर गया हुआ है। और इन लोगों को भूमि भवन का लाभ होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और ये पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, ये जो सिंह और कन्या वाले हैं राशि वाले, इन लोगों के मुख पर गया हुआ है। इनके मुख में विद्या का लाभ होगा, प्रतियोगिताओं में इनकी सफलता रहेगी। और आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ये जो राशियां हैं इनसे बनती हैं। मिथुन, कर्क और सिंह इन राशि वालों के हृदय में बैठा हुआ है। आप राशि वालों को आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी। और कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा इन नक्षत्रों से जो मेघ, वृक्ष, मिथुन ये राशि बनती हैं, इनके दाहिने हाथ में गया हुआ है। और इन लोगों को विवाह होगा, धन लाभ होगा, मांगलिक कार्य होंगे। और जो रेवती, आश्विनी, भरणी हैं, इसमें जो मीन और मेघ राशि आती हैं, मेघ राशि ऊपर भी आई है मित्रों, नीचे भी आई है, तो ऊपर जो है आपका कृतिका नक्षत्र तीन चला गया है। तो एक दो नक्षत्र वाले जो हमारे अश्विनी और भरणी वाले हैं मेघ राशि वाले मित्र, उन लोगों का बायां हाथ गया है। अनावश्यक व्यय होगा, धन हानि होगी और ऋण भार होगा। और कितना यह नुकसान होगा या ऋण भार होगा, यह अभी आपको आय व्यय चक्र में बताएंगे, इसलिए घबराइए नहीं। और जो सद्विशा, पूर्वा, भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा वाले हैं, कुंभ और मीन राशि वाले, इनके दाहिने पैर में गया हुआ है। ये लोग व्यर्थ का भ्रमण करेंगे, परिश्रम करेंगे, देशाटन करेंगे। इस प्रकार से जो
आखिरी उतरा साड़ा श्रवण धनिष्ठा ये जो नक्षत्र हैं इनसे जो धनु मकर कुंभ राशि इनमें बाएं पैर में गया है तो शारीरिक कष्ट तनाव विवाद अशांति इस प्रकार का माहौल बनेगा। तो अब इनमें से जो आखिरी वाले उतरा साड़ा श्रवण धनिष्ठा वाले हैं उतरा साड़ा श्रवण धनिष्ठा इन लोगों को बायां पैर गया है बोंपो गया है तो इन लोगों को जो संक्रांति आएगी वैसाख एक गति जो 13 अप्रैल को पड़ेगी इस दिन मंदिर में थोड़ा सा चांदी का पैर बना के दान कर दें, थोड़ा मोती दही चीनी सफ़ेद वस्त्र चावल आदि का दान करा दें तो ये सब अरिष्ट निवारण। आइए मित्रों पुनः आय व्यय का चक्र देखते हैं। इसमें देखते हैं कि किस राशि को कितनी आय और कितना व्यय है और उसका फल क्या है। तो मेघ राशि में आय 5 और व्यय 5 बताया गया है जिसका फल लाभ है इनको लाभ होगा। और वृक में 14-11 का चक्र है तो जिनको हानि बताई गई है। और मिथुन 2-11 का है तो रोग है, आय 2 की है और व्यय 11 का है रोग है। कमाया 2 रुपया खर्चा 11 रुपया हो गया तो रोग है, रोग में खर्चा हो गया। कर्क राशि वालों का 11-8 का है तो इनको सुख होगा। सिंह राशि वालों को 14-2 का है, 14-2 होने से इनको विजय प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों का 2-19 का है जिनको रोग होगा या रोग पर खर्च है बताया गया है। तुला 14-19 का है हानि। वृश्चिक 5-5 का है, 5 कमाया तो लाभ है। धनु 8-11 का है सुख है। मकर 11-5 का है हानि है। कुंभ 11-5 हानि है। मीन 8-11 सुख है। और मित्रों मेघ सिंह धनु राशि को संवत्सर बैठ है, वृख संवत्सर मीन्स आज, और कन्या मकर राशि को जो है संक्रांत बैठ है। और धनु मकर कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 की दशा होगी। मिथुन और तुला राशि वालों को मिथुन धनु वृश्चिक राशि में राहु केतु का योग है वास है, अतः आप लोग को पुनः एक बार आपको सपरिवार जो है 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मित्रों। और पूरा राशि फल इस साल का दूसरे वीडियो में बनाया है इसलिए आपसे निवेदन है आप उस वीडियो को जरूर सुनेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। पुनः मिलता हूँ आपका मित्र।